दूरदर्शिता और दृढ़ निश्चय, निर्णायक नेतृत्व और सुदृढ़ प्रयास, आत्मनिर्भर भारत के पथ प्रणेता युग दृष्टा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। गत 7.5 वर्षों की भारत की अभूतपूर्व विकास यात्रा के साक्षी बने हैं नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य। माननीय प्रधानमंत्री ने जिन्हें माना है भारत की अष्टलक्ष्मी, आज नॉर्थ ईस्ट सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी विकास के लगातार बना रहा है नए आयाम। रेल, सड़क, जलमार्ग और हवाई अड्डे सहित फ्यूचर रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर से सज रहा है हमारा नॉर्थ ईस्ट और बन रहा है न्यू इंडिया का सशक्त भागीदार। 2014 में नॉर्थ ईस्ट में 11 एयरपोर्ट थे, जिनकी संख्या करीब 1.5 गुना बढ़कर 16 हो चुकी है। असम में रूपसी, सिक्किम में पाक्योंग एयरपोर्ट, अरुणाचल में तेजू और पासीघाट एयरपोर्ट लोगों को देश दुनिया से जोड़ रहे हैं, तो अरुणाचल के होलोंगी में 650 करोड़ की लागत से नया एयरपोर्ट बन रहा है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में भी एयरपोर्ट के क्षमता विस्तार के लिए 500 करोड़ की लागत से न्यू इंटीग्रेटेड टर्मिनल बिल्डिंग बनाने का काम जल्द ही शुरू होने वाला है। नॉर्थ ईस्ट की जरूरतों के लिए 16 नए हेलीपोर्ट्स भी बनाए जा रहे हैं। अष्ट लक्ष्मी के प्रगति को समर्पित प्रयासों का ही परिणाम है कि नॉर्थ ईस्ट में विमानों की आवाजाही व यात्रियों की संख्या 7.5 सालों में दोगुनी हो चुकी है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत नॉर्थ ईस्ट के एविएशन सेक्टर में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में 450 करोड़ रुपए की लागत से बने महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे के नए इंटीग्रेटेड टर्मिनल भवन को त्रिपुरा और देश को समर्पित कर रहे हैं, इससे अगरतला के एयरपोर्ट की पीक आवर कैपेसिटी 500 यात्री से करीब 2.5 गुना बढ़कर 1200 यात्रियों की हो जाएगी। इससे न सिर्फ त्रिपुरा बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक विकास को बल मिलेगा। नए निवेश आकर्षित होंगे, क्षेत्र के पर्यटन से लेकर स्थानीय कलाओं तक को नई पहचान मिलेगी, स्थानीय उपज व उत्पादों को बड़े बाजार मिलेंगे, स्वरोजगार व रोजगार के लिए संभावनाओं के नए द्वार खुलेंगे। नए टर्मिनल भवन के निर्माण से एयरपोर्ट का विस्तार पहले से 3 गुना अधिक क्षेत्रफल में हो गया है। एयरो ब्रिजेस से लेकर कार पार्किंग तक, चेक इन काउंटर से लेकर बैगेज कन्वेयर बेल्ट तक, अगरतला हवाई अड्डा बेहतर यात्री सेवा के लिए सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। नए टर्मिनल भवन में त्रिपुरा की समृद्ध संस्कृति और कला को बैम्बू प्लांटेशन, उन्नाकोटी हिल्स के ट्राइबल स्टोन स्कल्पचर्स व अन्य लोकल ट्राइबल आर्ट फॉर्म्स के माध्यम से दर्शाया गया है। साथ ही हवाई अड्डे का परिचालन पूर्ण रूप से हरित ऊर्जा से करने के लिए 2 मेगावाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है। नए टर्मिनल भवन और नई क्षमता के साथ त्रिपुरा का अगरतला एयरपोर्ट नॉर्थ ईस्ट की समृद्धि का नया गेटवे बनने को पूरी तरह तैयार है।